make way for the boss. कैमरे 10 रुपए माल, 10 रुपए 100 रुपए, 10 रुपए 100 रुपए, कैसे देखिए भैया? भैया अलग अलग रेट है, 1000 रुपए पीस, ये बता दो, 1 लाख रुपए पड़ा, यो 200, यो 200, यो 500 रुपए का, ये 60,000 का पड़ता है। मैंने योजना जिक्र के दल्लों में देखा, ये तुमने 150 रुपए का बताया था भाई, इतने का ही है एक पीस। देखो सही लगा लो, क्या वो भाई यार हंस क्यों रहे हो? अरे यार सीधी बात, अगर आप मेरी अब इस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो तो आपने ऐसी 100 वीडियो देखेंगे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह भाई बड़ी बढ़िया। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप कोई सेकंड हैंड या कोई चीपर DSLR या मिररलेस कैमरा ढूंढ रहे हो। तो भाई आज का वीडियो होने वाला है इसी के एक स्कैम को एक्सपोज करने के लिए, वो भी विद प्रूफ, ताकि कोई ये ना बोले कि भाई या आपने अपने मन की स्टोरी बना ली, या आप किसी से बदला निकाल रहे हो, या किसी को डिफेम कर रहे हो। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये विद प्रूफ, ताकि सब क्लियर रहे। एंड भाई मैं किसी भी क्रिएटर को गलत नहीं बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट में इसी वीडियो में, और मैं ना कि सारे मार्केट को गलत बोल रहा हूँ जो कैमरा मार्केट है, क्योंकि भाई बहुत अच्छे अच्छे लोग भी बैठे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं बहुत अच्छी प्राइसेस पर, लेकिन कुछ लोग गंदे घटिया बैठे हैं जो चला रहे हैं स्कैम, उनकी डिटेल्स भी मेरे पास है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा क्या क्या स्कैम चल रहे हैं। तो भाई लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू द चैनल ऑन अ न्यू डे ऑन अ न्यू वीडियो। तो मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शशांक, क्या हाल चाल है आप सभी के? मैं बढ़िया हूं, कहता हूं आप सभी बेहतरीन होंगे। हां तो जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी का जो क्रेज है वो यूथ में बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। रीज़न क्योंकि भाई इंटरनेट की सर्विसेज हर किसी के पास अवेलेबल है, कोई नई चीज़ें सीख पा रहा है इंटरनेट की वजह से, कोई उन चीज़ों से कुछ प्रोडक्टिव बना के अपनी अर्निंग कर पा रहा है। एंड ऑब्वियसली भाई इन सबको करने के लिए चाहिए आपको अच्छा कैमरा गियर, क्योंकि फ़ोन से ये इतना अप टू मार्क नहीं हो पाता, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें रिटच एंड पोस्ट प्रोडक्शन में दिक्कत आ ही जाती है। तो भाई इसीलिए आजकल लोग सबको चाहिए अच्छे कैमरा DSLR, अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो इसीलिए भाई नीड आती है कि कैमरा गियर्स की। तो यार ये होते हैं बहुत एक्सपेंसिव, लाइक मैं अपने कैमरा गियर की बात करूं तो यही अराउंड मुझे 1 लाख का पड़ा था। और अगर भाई बात करता हूं, हर कोई यार अफोर्ड नहीं कर पाता इतना महंगा, लेकिन लोग बाग को भाई जिनको शौक है भाई करना है तो भाई वो कुछ छोटे बजट से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैक्सिमम ये चीज़ स्टार्ट करते हैं हम यूथ की बात करें तो भाई आधे ज़्यादा होते हैं हम स्टूडेंट, अपने बंदे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट कैसे कैसे निचोड़ के इकट्ठे करता है पैसे, वो हम लोग को पता होता है कि बहुत मुश्किल से होते हैं, कहाँ से घर से मिले, वो थोड़े बचाए इधर बचाए इधर, उसके बाद इकट्ठे करके लोग बाग लेते हैं। इसी में ये स्कैम चल रहा है, अगर हम बात करते हैं तो भाई सब चीपर ऑप्शन ढूंढते हैं। तो अब अगर आप लेने जाते हैं, आपने ऑब्वियसली ऐसे वीडियो देख लिए होंगे जैसे कि यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, आप देख पाओ अभी पूरा स्लाइड करके मैं दिखाऊंगा कि यार है ही। तो भाई लोग बाग ऐसे लेने जाते हैं कैमराज को DSLR के, भाई 5000 में DSLR, 4000 में DSLR, 10000 में DSLR, 15000 में DSLR, 25 एंड सो एंड सो, 80% ऑफ, 90% ऑफ, 80D, 90D, 98D, फलाना डी, ढिकाना डी, ऐसी तैसी। आज मैं आपको यही स्कैम से पर्दा उठाने वाला हूँ, वो भी विद प्रूफ। तो भाई आज का जो वीडियो होने वाला है इसी के बारे में होने वाला है। एंड ऑब्वियसली भाई अगर आप ऐसे वीडियो देखोगे तो आप भी सोचोगे कि भाई यार 1 लाख रुपए की चीज 5000 रुपए में, 2 लाख की चीज 10000 में, 15000 में, भाई ऑब्वियसली यार कौन पैसे में नहीं बचाना चाहेगा, पैसे बचाना अच्छी बात है। आप ऐसी वीडियो देख के पहुंचते हो किसी अपने नियरेस्ट स्टोर पे, जिस भी स्टोर की आपने किसी क्रिएटर की वीडियो देखी कि भाई 5000 रुपए का DSLR मैंने आपकी वीडियो देखी थी, भैया मुझे वो DSLR दे दो या वो कैमरा दे दो, तब जाके बोलोगे तो ऑब्वियसली उस बंदे का क्या होगा, वो बंदा बोलेगा कि भाई वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, वो हो गया खत्म, बिक गया। आप बोलोगे अच्छा, वो कुछ और दिखा देगा आपको, बोलेगा ये ले लो। आपका 80% केस होगा कि वो आपको एक SLR दिखाएगा 5000 रुपये में, वो SLR भी ऐसा होगा कि भाई एक चाहे तो अपनी चांद में मार लो या उसकी चांद में मार लो उसे। चलो ठीक है, आपने कि भाई ये नहीं चाहिए मुझे, DSLR ही चाहिए स्ट्रिक्टली। आपको वो दिखाएगा एक कैमरा जो कि होगा आराम से 10 से 15 हज़ार में, एंड आप उसको आपने देखा अच्छा भाई ये कैमरा, आपने वो ठीक है जी। उस टाइम पे एक चीज में कैमरे में क्या होगी, जो आपको कैमरा दिखाएगा वो कैमरे का मॉडल अगर आप उस टाइम पे ही गूगल करके देखो तो वो भाई कैमरा होगा डिसकंटिन्यूड मॉडल। अगर आपको डिसकंटिन्यूड मॉडल का मतलब नहीं पता तो वो प्रोडक्ट कंपनी ने बनाना ही बंद कर दिया, वो प्रोडक्ट दिखाएगा आपको जो कंपनी ने बनाना ही बंद कर दिया, ठीक है कि भाई इतने में आप बोलोगे चलो DSLR कोई दिक्कत नहीं भाई अपना काम बनेगा, कुछ टाइम चलाएंगे फिर नया ले लेंगे, पैसे इकट्ठे हो जाएंगे भाई अपनी अर्निंग कर लेंगे, नया ले लेंगे। आप ये सोचोगे ठीक है, अब ये एक बात सोचो उसके बाद में कि अगर वो प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया तो अगर उसमें कुछ खराबी होती है तो उसके पार्ट्स कहाँ मिलेंगे, अब उसके पार्ट्स भी कंपनी नहीं बना रही है और पार्ट्स अभी नहीं बना रही है, तो भाई ये समझ लो जो मिलेंगे
वो कितनी मुश्किल से मिलेंगे, नहीं नहीं तो फिर जुगाड़ करके आपके बेब से पैसा तो दुगना जाना है, वो आफ्टर सर्विस का लग गई लंका। तो ऐसा ही कुछ केस हुआ मेरे एक फ्रेंड के साथ में, उसके बाद में आपको बताऊंगा डिटेल में। एंड भाई एक और चीज़ के, जब आपको कैमरा आपको दिखाएगा ना, वो कैमरे जितने भी वहाँ रखे हैं, मैं कहूँगा उसमें 99% कैमराज ऐसे होते हैं कि भाई किसी का पार्ट निकाल के किसी में, किसी का पार्ट किसी में, किसी का कुछ, और कैमरा के ऊपर उनको शाइनी बनाने के लिए आपका सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल से कहते हैं, और जूते की पॉलिश उस पर लगाई जाती है। क्या आपको लग रहा है कि मैं ऐसी लंबी जा रहा हूँ? ठीक है, एक छोटी सी क्लिप डाल रहा हूँ, इसलिए क्लिप चल रही है। इसमें ये देखिए आप, ये बच्चे बैठे हुए हैं क्या कई सारे, और साइड में ये बॉक्सेस रखे हुए हैं, और इनके इसके हाथ में अगर आप ध्यान से देख पाएं, इसको पॉज करके मैं आपको जूम करता हूँ, ये देखिए ये एक कैमरा की बॉडी पर ब्रश से कुछ लिक्विड रगड़ रहा है, और भाई ये है जूते की पॉलिश। जी हाँ, जो आपको DSLR दिखाया जा रहा है उस पर लगाई जाती है ऊपर से जूते की पॉलिश, ताकि वो शाइनी दिखें और बेहतरीन दिखें कि भाई नए हैं। भाई वो बोलेगा कि भाई साल भर पुराना है, आप उससे पूछेंगे कि भाई कितना पुराना, बोलेगा साल भर पुराना है, तो वो ऐसे साल भर पुराने। एक चीज़, वो कैमरा डिसकंटिन्यूड मॉडल है, तो सोच लो वो कितना पुराना होगा। चलो ठीक है, क्या पता 6 महीने पहले डिसकंटिन्यू हुआ ना, भाई उनके पास उसका बिल ना उनके पास उसका बॉक्स, बॉक्स तो भूल ही जाओ, और बिल के नाम पे वो क्या देंगे। अब मैं एक डिटेल दिखाऊं तो भाई ये वो दूसरा प्रूफ है ये मेरा, जो कि आपको केस बताने वाला हूँ, मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ, जिसमें कि उसने कैमरा खरीदा था जो कि था निकॉन 3500। उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले आपको बता दूं जो बिल के रूप में आपको देंगे वो क्या होगा। एक जैसे कि ये देखें आप, यहाँ पर ये वेटिंग कार्ड है, बस डिटेल है स्टोर की, एंड पीछे यहाँ पर वो दिखाएंगे। अगर आपको मैं डिटेल में दिखाऊं जूम करके, तो यहाँ पर वो दिखाने वाले हैं आपको, यहाँ पर लिखा है मेक, यानी कि कौन सा ईयर का है, कौन सा मॉडल है, कितने अमाउंट का आपने खरीदा, कौन सी डेट को खरीदा। तो ये होगा भैया उनका बिल। अगर मैं बात करता हूँ इस बिल की, एज अ मैं लॉ कर रहा हूँ, एज अ लॉ स्टूडेंट, भाई मुझे एक बता, आप बता दो, ये एक प्रॉपर, आप प्रूफ भी नहीं कर सकते, आप उनके खिलाफ अगर केस डालें तो ये एक प्रॉपर प्रूफ नहीं कहलाएगा, क्योंकि भाई विजिटिंग कार्ड है, कोई उनका लेटर पैड नहीं। विजिटिंग कार्ड पे अगर आप कुछ भी लिख दो, विजिटिंग कार्ड किसी के पास भी हो सकता है, तो वो अगर आप उन पर केस डालते हो, ये कहेंगे वो कि भाई विजिटिंग कार्ड है, किसी पर भी हो सकता है, कोई भी लिख लेगा, हमने तो नहीं करा। अगर आप उनके लेटर पैड पे, तो भाई एक बार को जिम्मेदारी सामने वाले की बनती है, एंड वो लाइबल हैं, आप उन पर केस कर सकते हैं, एंड भाई वो प्रूफ भी माना जाएगा। लेकिन एक विजिटिंग कार्ड पे बनाया हुआ बिल कहाँ से प्रूफ माना जाएगा भाई, ये सोच लो आपके साथ कितना कर रहा स्कैम होगा। ठीक है, मैं इन बच्चों के लिए कुछ गलत नहीं बोलूंगा, भाई उनकी भी कुछ मजबूरी है, वो वहाँ बैठे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो स्टोर वाले हैं, ये इनकी हरकत है, आप देखो वो कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है जो आपका ड्रीम कैमरा हो 90D 80D वॉट एवर इट इज, जो भी आपका एक्सपेंसिव या सोनी एल्फा, वो बच्चा उस पर भी रगड़ रहा हो, और आप वहाँ से कोई बंदे को चेप दे वो नीचे जाके स्टोर वाला, टेंशन क्या होगी, आपने वहाँ चलाया हो दिखेगा सही। अच्छा ठीक है भाई, चल रहा खींच रहा, या तो फोटो ही बन क्लिक करेंगे या वो वीडियो ही बनाएंगे। ये एक और खास बात होती है, आप वहाँ जाना कभी तो पूछेंगे भैया फोटो खींचने के लिए चाहिए वीडियो बनाने के चाहिए, ये उन कैमरे को दिखाएंगे ना और वहाँ पे यूट्यूब पे, और दिखाएंगे वहाँ रियलिटी ऑन द स्टोर, जमीन आसमान का अंतर होने वाला है। तो भाई आपने मामला ले लिया एंड आप पहुँचे, तो भाई वो कैमरा आपके 3 से 4 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ हरकत दिखा देगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई कैमरा ऐसा नहीं है जैसे कि आप 1 घंटे में चेक करके बता दो कि इसमें गड़बड़ है नहीं है, अनटिल एंड अनलेस के आप उसको स्क्रू खोल के देख लो, भाई वो तो वहाँ वो खोलने नहीं देंगे जब तक आप उसे परचेज नहीं करते, और अंदर तो भाई क्या ही हाल लिखने वाला है, वो देख के आप बेहोश हो जाओगे। हाँ, वो एक बात को प्रोटेक्ट कर, अपनी बात को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलेंगे कि भाई हमने दिया 10 दिन की वारंटी, आप 10 दिन में कुछ हो लेके आ जाओ पैसे वापस। भाई ऐसे में आप लेके पहुंचते हो वापस, आपने कहा भैया ये कैमरा मैंने खरीदा था आपका, भाई ये तो फोटो में वैसी लाइन आ रही है, गड़बड़ आ रही है, धरा रहा है, तो बोलेगा क्या कि भैया आपने यहाँ से लिया था, सही था जब तो चेक करा था आपने, अभी कैसे गड़बड़ कर रहा है। हो सके आपसे हो गया, आप बोल लो गिर गया होगा आपसे, या आपने कुछ पानी वानी डाल दिया इसमें, गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो आप पर क्लेम डालेगा, देन बोलेगा कि भैया एक काम करते हैं, हम आपसे लेबर के चार्जेस नहीं लेंगे, लगाने लगे ना कि आप इसका ये पार्ट खराब है, आप इस पार्ट के पैसे दे दो, हम इसमें नया पार्ट डाल देते हैं, आपका कैमरा सही चलेगा। यानी कि आपने 15 से 20 हज़ार रुपये उसे पहले दिए, उसके बाद आप 3 से 4 हज़ार रुपये कम से कम। भाई ये इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इसका कोई भी पार्ट सस्ता नहीं आता, और आप इसे सर्विस कराने भी जाओगे ना कहीं किसी स्टोर पे या किसी ऑथराइज स्टोर पे भी, तो वहाँ भी आपके 1000 से 2000 रुपये लग जाएंगे इसको सर्विस होने में। जी हाँ, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसमें पार्ट चेंज होने की, बोलेगा पार्ट चेंज कर देते हैं, आप ले लो बेहतरीन हो जाएगा।
ठीक है जी, आपने बोला ठीक है भाई यार अब ब्लीच है ना तो भाई चलाना, तो भाई आपने कहा ठीक है भैया इसके पास चेंज कर दो चलेगा ना, ठीक बोलेगा हाँ जी बिल्कुल चलेगा दौड़ेगा भागेगा, आपने कहा ठीक है ये लो पैसे बाइक कर दो ठीक। तो भैया आपने उसे बंदा से 20,000 में 3-4,000 रुपये और दे दिए, बोलेगा भैया ये पार्ट में पार्ट, आपने कहा ठीक है जी। तो भाई ये बताओ आप लेने पहुंचे थे 5,000 कैमरा एंड आप उसे 20-25,000 रुपये दे के आ चुके हो, और जितना ये कैमरा आपके पास नहीं रहा उससे ज़्यादा उस बंदे के पास रहा, ठीक है ये एक चोरी थी जो बंदे के साथ ये स्कैम चल रहा है वहाँ। दूसरे केस की मैं बात करूँ तो जो कि मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ, मेरे फ्रेंड ने लिया कुच्चा चौधरी मार्केट से DSLR। मैं बात करूँ कुच्चा चौधरी की, अगर आपको नहीं पता तो कुच्चा चौधरी मार्केट वो मार्केट है जो कि चांदनी चौक में है, एंड कुच्चा चौधरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर कैमरा एसेसरीज एंड कैमरा पार्ट्स और न्यू कैमरा प्रोडक्ट्स एवरीथिंग। आप कैमरा या फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग से रिलेटेड चीज़ का नाम लो आपको वहाँ मिल जाएगी, बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। लेकिन कुछ बंदे वहाँ चोर बैठे हैं, वही एक केस मेरे सामने आया, आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ उसमें। क्या हुआ कि भाई उस बंदे ने खरीदा वहाँ से निकॉन 3500D जो कि एक DSLR है, एंड उसके साथ में उसने खरीदा वहाँ पर 70x300mm लेंस, वो भी ऑटोमेटिक उसने वहाँ खरीद लिया। वहाँ से उसका अराउंड बिल बना था 35,000 रुपीज़ का, बैटरी ली एक्स्ट्रा एंड चार्जर। पॉइंट नंबर टू, वहाँ चार्जर दिया गया नकली, ओरिजिनल निकॉन का चार्जर नहीं दिया गया, तो बैटरी दी गई वो भी बैटरी की हालत ऐसी थी कि भाई वो थी यूज्ड बैटरी। उन्होंने बोला कि भाई ये 200-300 रुपये कम है, 500 रुपये पर बैटरी उन्होंने उस बंदे को दे दी। उसने कहा ठीक है भाई, उनने वहाँ चेक करा आप कि जैसे कि वीडियो देख के, वो भी वहाँ चला गया भाई लेने कि भाई यार कैमरा है। उसने भी वही देखा कि भाई 10 से 5,000 कैमरा, 10,000 कैमरा, उसने बट बनाया कि ठीक है भाई 15,000 का कैमरा लेके आएंगे अपन, कुछ अच्छी चीज़ ही मिलेगी जब 5 से स्टार्टिंग है तो 15 बहुत अच्छी मिलेगी भाई ऑब्वियसली, और क्या बंदा एक्सपेक्ट करेगा जब वो इतना देखेगा। तो वहाँ गया उसने, वहाँ फ्रेंड ने लिया वो कैमरा वहाँ से, एंड उसने वहाँ से लेने के बाद वो वहाँ से वहाँ चेक करा उसने, वहाँ पर क्या था ऑटोमेटिक था, आई रिपीट में पॉइंट कुछ बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिक लेंस था 3500D निकॉन, और बैटरी घिसी पिटी सी थी, लगने में साफ लग रही थी लेकिन भाई वहाँ पर चेक करी क्योंकि ऑब्वियसली आप चेक करने जा रहे हो इतनी दूर से तो आप इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते वहाँ, क्योंकि आपको और भी काम होते। उसने वहाँ से लिया चेक करा वहाँ से चल दी, एंड वहाँ से लेके आने के बाद पहली चीज़ क्या हुआ कि उसको जो लेंस लेके आया वो था ऑटोमेटिक के पैसे दे के, लेकिन वो ऑटोमेटिक चलाई नहीं, वो यहाँ आके वो चलता है मैनुअल में। उसके बाद फोटो क्लिक करने में आए तो वहाँ पर उसको वाइट लाइंस देखने के लिए मिल रही थी उसमें पूरी तरीके से, एक वाइट कलर की वाइट सी लाइन जा रही थी बीच में से पूरे कैमरा में, से दिमाग खराब हो जाता था क्योंकि कोई भी पिक्स उससे अच्छी नहीं आ रही थी, एंड सारा फोकस उस वाइट लाइन पर हो जाता था। एंड जैसे कि मैं आपको कुछ सैम्पल इमेजेस दिखाऊँ तो कुछ ऐसी इमेजेस आ रही थी उससे, भाई इसने बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करा इस चीज़ में। उसको जब हम सेलर को कॉन्टेक्ट करा कि भाई ये आपने ऐसा ऐसा कैमरा खरीदा था इतनी देर पहले, आज ही लेके गए ये वो ऐसा है, तो उसका कहना था ठीक है भाई हमारे तो 10 दिन की गारंटी है आप लेके आओ कैमरा। जब उसके पास कैमरा दोबारा लेके गए तो उसका कहना था कि भाई इसका ये शटर का पार्ट इतना ही जो है ख़राब हो गया है कि अच्छा तुमने गिरा दिया। भाई वो कैमरा खरीद कर यहाँ तक लाया गया, वो भी बाकायदा बैग वैग में लेके रख के, और वो बोलता अगला बंदा बोलता है कि भाई ये तुमने गिरा दिया। भाई वो कैमरा गिरा नहीं बिल्कुल, ऐसा कैसे लाया गया, उसको जब चला के देखा गया तो भाई उसमें ये हाल था। तो पार्ट को बोला कि ठीक है भाई चेंज कर दो, तो पार्ट की जो आपको प्राइस देखने के लिए मिली पार्ट था उसने कहा 8,000 रुपये का इसका ये इतना पार्ट होगा, और हमने कहा भाई 8,000 रुपये कैसे वो क्यों भाई, बोला कि भाई पार्ट इतना महंगा, बोले उसमें और 2,000 रुपये हम लेंगे इसकी लगाने की और सर्विस वगैरह उसका के चार्जेस। तो भाई जब उससे बहुत बहस हुई कि भाई ये तो 10 दिन की वारंटी में है, बोला कि भाई मम्मी क्या पता तुमने गिरा दिया होगा फलाना ढिकाना, तो बोला कि भाई ठीक है हम अपने 2,000 रुपये कम कर देते हैं जो हमारे मेकिंग और लगाने के चार्जेस हैं, लेकिन पार्ट के पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो भाई 35,000 रुपीज प्लस 8,000 रुपीज लगा लो अब भाई उस कैमरे की क्या वर्थ रहेगी, उसमें 8,000 रुपये लगाने, वो भी एक डिसकंटिन्यूड मॉडल जिसके साथ ना बिल है ना बॉक्स है ना इसका ये आता है ना पता कि कितना चला हुआ है किसने चलाया क्या चलाया, उसके बटन वटन सब गायब थे, फोटो आप देख पा रहे हो फोटो यहाँ पे आया, तो भाई ये हाल हो रखा है वहाँ। पूरे वीडियो में मैं किसी भी क्रिएटर को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं किसी सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर है उन्हें गलत बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कुछ उन चुनिंदा लोगों को जो ऐसे स्कैम्स चला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, अगर मैं बात करूँ कुछ चौधरी में तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कुछ स्टोर्स हैं जो कि बहुत बढ़िया डील्स देते हैं आपको कैमरा एंड गियर्स में, लेकिन कुछ लोग बैठे हैं जो कि चोर हैं। तो भाई हम करते हैं यहाँ वीडियो को यहीं पर सम अप, अगर आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन काम की लगी तो उसको फटाक से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में ताकि
कोई बंदे का स्कैम ना हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब की मैं कहूँगा नहीं, अगर आपको वर्थ लगे तो अपने आप कर देना भाई। ये वीडियो आप तक पहुँचना जरूरी था, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी जरूरी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्दी मिलते हैं अपने आने वाले किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, बाय बाय।